Hi aspirant, welcome back to our YouTube channel that is Brainik IAS. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज। तो सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मीन्स हुआ द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ भी अब दो टाइप की हैं, या तो एनिमल या प्लांट। एनिमल की जो स्टडी होती है उसे जूलॉजी कहते हैं एंड प्लांट की को कहते हैं बॉटनी। तो जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी को वो उसको इंट्रोड्यूस किया था किसने, एरिस्टोटल ने, इसलिए उनको द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कहते हैं। और जो थियोफ्रास्टस हैं वो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे बेसिक यूनिट देखी जाए बायोलॉजी में तो वो होती है सेल। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। जो सेल्स हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनाता है, जस्ट लाइक ह्यूमन हो गया, फिश हो गई, फ्रॉग एक्सेट्रा। अब जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं। या तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, है ना, नर्वस सिस्टम हुआ, ये काफ़ी टाइप के सिस्टम्स हैं और इनको ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है। तो हम बस इन्हीं को पढ़ने वाले हैं और देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन का मींस क्या होता है? तो डाइजेशन का मींस होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हमने खाया है उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मतलब बनाना, एंड उसको कहते हैं डाइजेशन। मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये होता है डाइजेशन। अब डाइजेशन के ना 5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या, फूड वी टेक, मतलब जो हमने खाना खाया, देन वो फूड एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एंटर करेगा हमारी बॉडी में और वहाँ पे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। यहाँ पे ये डाइजेस्ट होगा, देन डाइजेस्ट होकर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू, ब्लड। ब्लड इसको एब्जॉर्ब करेगा एंड फिर ये ब्लड स्ट्रीम में होते हुए जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जहाँ पर ये यूटिलाइज होगा। एंड इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा जो बॉडी से इजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं इंजेशन। मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, फीकल मैटर्स है जो हमारी बॉडी से निकलता है, इंजेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन, मतलब हमने खाना खाया, फिर वो खाना डाइजेस्ट होगा, देन एब्जॉर्प्शन होगा एंड जो ब्लड में जाके मतलब यूज़ हुआ है, जो बॉडी पार्ट ने यूज़ किया उसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो मतलब खाना हमने खाया है उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उस एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो होता है एसिमिलेशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जिसको हम अपनी बॉडी से इजेक्ट कर देते हैं उसको कहते हैं इजेशन। सबसे पहले समझते हैं डाइजेस्ट सिस्टम किस किस चीज़ से मिलता है। तो सबसे पहले एक एलिमेंट्री कैनाल रहता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ टू एनस जाती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ओके और भी चीज़ें होती हैं। अब एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या आएगा, लीवर आएगा, है ना, पेनक्रियाज आएंगे, ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो जूसेस बनाती हैं और ये मतलब एलिमेंट्री कैनाल में सीक्रेट करती हैं, जिससे क्या हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा टॉपिक है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मस्कुलर वॉल, मतलब एक ट्यूब है जो एक्सटेंड करता है 9 to 10 meters। ये स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ से होते हुए जाता है एनस तक, एंड ये 9 to 10 meters मतलब इसकी लंबाई होती है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो ये स्टार्ट होती है माउथ से, माउथ में फिर ये जाएगा क्या, बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर ये फेरिंग्स आएगा, फेरिंग से यूसोफेगस आएगा, ये फिर हमारा स्टमक है, स्टमक से ये जाएगा किसमें, सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पूरी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से फिर ये एंटर कर जाएगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये एनस आ जाएगा। तो ये क्या है, पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स देखते हैं, जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, है ना, ये पैनक्रियास, ये क्या एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, ये अपने जूसेस सीक्रेट करती हैं इस एलिमेंट्री कैनाल में, तो जहाँ पे ये जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमें भूख क्यों लगती है, या हम पानी पी लेते हैं तो हमारी भूख शांत हो जाती है, तो मतलब हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है, इसके सेंटर्स कहाँ हैं? तो ये देखो, भूख और प्यास के जो सेंटर्स होते हैं, मतलब हंगर एंड थ्रस्ट का जो सेंटर है वो कहाँ है, हमारे हाइपोथैलेमस में है। हाइपोथैलेमस में यहाँ पर सेंटर है जिसकी वजह से हमें भूख और प्यास फील होती है। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला है बकल कैविटी, फेरिंग्स हैं, यूसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस।
अब स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी. तो बकल कैविटी क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे कि हमने खाना खाया तो हमारे जो टीथ हैं है ना, या फिर टंग हैं, और टंग के साथ साथ क्या सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये क्या है, ये हमारा मिलके बनाता है क्या बकल कैविटी. मतलब बेसिकली जो हम फूड जहाँ पे च्यू कर रहे हैं वो पूरा एरिया क्या बकल कैविटी कहलाता है. तो ये अपर मोस्ट ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, विच लीड्स टू अ बकल कैविटी. इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया टीथ, मस्कुलर टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. अब पढ़ते हैं टीथ के बारे में. तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं हमारे पास, चार टाइप के टीथ होते हैं. एक तो इंसीजर हो गया, एक हो गया कैनाइन, एक प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ये क्या है, टीथ का अरेंजमेंट है. देखो मैं आपको बताती हूँ, ये है टीथ की इमेज. इसको अगर हम हाफ करेंगे, हाँ इसको हम हाफ करेंगे, तो ये हमारे क्या इंसीजर कहलाएंगे, ये हमारा कैनाइन कहलाएगा, ये हमारे प्री मोलर्स हो गए, और ये हमारे क्या हो गए मोलर्स हो गए. तो टीथ का फॉर्मूला अगर हम देखें तो 2 1 2 3. तो अडल्ट में देखा जाए तो क्या होता है 2 1 2 3, मतलब ये देखो 2 इंसीजर हो गए है ना, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्री मोलर और 3 मोलर. लेकिन अगर इन्फेंट्स में देखा जाए, बच्चों में देखा जाए, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है 2 1 0 2. मतलब उनमें क्या होता है, इंसीजर जो होते हैं वो 2 होते हैं, कैनाइन भी 1 होगा, लेकिन उनके अंदर क्या प्री मोलर्स नहीं होते, और साथ साथ क्या जो लास्ट वाला जो मोलर टीथ होता है वो भी नहीं होता है, वो उनमें 2 होते हैं. जो लास्ट वाला मोलर टीथ होता है उसको क्या कहते हैं, उसको विजडम टीथ कहते हैं, और हिंदी में इसको अक्लदार भी कहते हैं. हालांकि इसका अक्ल से कुछ लेना देना नहीं है, अक्ल धोखा खाने से आई जाती है लोगों को. तो बढ़ते हैं आगे. और ये है टीथ, मैंने आपको बताया. तो टीथ किससे बने होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनते हैं, और इसकी स्टडी को कहते हैं ओडोंटोलॉजी. ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें 2 टाइप के टीथ होते हैं, ये तो सेम टाइप ऑफ टीथ पैटर्न का होगा, ये फिर अलग अलग होगा. जैसे हमारे अंदर है इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, तो ये क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं. लेकिन कुछ में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ टीथ हो गए, मान लो पूरा इंसीजर हो गया है ना इस टाइप से, तो जो सेम टाइप पैटर्न का टीथ होता है वो होते हैं होमोडोंट कहलाते हैं, और ये फिशेस में होते हैं. और जो हमारे अंदर है हेट्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ, ये किसमें होते हैं मैमल से, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, और ये सेम टाइप ऑफ टीथ. अब जो हमारा जो टीथ रहता है, ये हमारे क्या जो बोन जो रहती है उसमें क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है, फंसा हुआ रहता है, तभी तो हमारे टीथ स्ट्रांग होते हैं, तभी तो हम खा पा रहे हैं ना. मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ को हम एकदम टीयर भी करते हैं तो टूथ अपनी जगह से हिलता नहीं है. तो क्यों नहीं हिलता, क्योंकि वो जॉ बोन में एम्बेडेड होता है. इसीलिए इस टाइप को टीथ को क्या कहते हैं, थीकोडोंट. मतलब क्या थीकोडोंट, क्या मतलब जॉ के अंदर एम्बेडेड है ये टीथ. अब हमारे टीथ देखा जाए तो 2 टाइप के टीथ होते हैं. एक होते हैं टेम्परेरी, जिसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, जो बचपन में आते हैं. तभी कभी सुना होगा कि बचपन दूध के दांत हैं अभी टूटेंगे फिर परमानेंट टीथ आएंगे, तो ये वो वाले हैं. एक आते हैं द सेट ऑफ परमानेंट टीथ, जिसको अडल्ट टीथ भी कहते हैं. तो जो हमारे 2 बार टीथ आते हैं ना, इसको कहते हैं डाइफायोडोंट. ह्यूमन में कैसे टीथ आते हैं, डाइफायोडोंट. कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि एक बार टीथ आ गए वो थ्रू आउट द लाइफ चलेंगे, बट ह्यूमन्स में क्या होगा कि जो बचपन में टीथ आते हैं वो टेम्परेरी रहते हैं, कुछ टाइम बाद वो टूट जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं. तो ये क्या हो गया, डाइफायोडोंट. अभी ये देखो मैं टीथ का आपको बताती हूँ, जो अपर पार्ट होता है ये होता है क्राउन, और जो नीचे का जो पार्ट कहलाता है, जो मतलब एम्बेडेड रहता है जॉ के अंदर, वो रूट कहलाता है. इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली जो होती है इनेमल. इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसके अंदर होती है डेंटाइन, एंड देन होता है इसमें पल्प. पल्प में क्या होता है, ये होती है इसमें नर्व्स एंडिंग होती हैं, इसमें आर्टरीज आती हैं, नर्व्स रहती हैं, है ना. अब देखो मैंने आपको जैसे बताया कि ह्यूमन अडल्ट में क्या होते हैं, 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. अब 4 टाइप ऑफ टीथ हैं, तो 4 टाइप के क्यों हैं, एक टाइप की भी तो टीथ हो सकते हैं. ये 4 टाइप के टीथ इसलिए हैं क्योंकि इनके फंक्शंस अलग अलग हैं. तो अब मैं बताती हूँ आपके फंक्शंस. कभी आप एप्पल बाइट करते हैं तो आप अपने फ्रंट टीथ से बाइट करते हैं ना, साइड से नहीं करते ना. तो जो इंसीजर हैं उनका काम क्या होता है, कटिंग एंड बाइटिंग. जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं या नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो वो क्या करते हैं, साइड से हमेशा, मतलब उनका एक जो टूथ रहता है वो कभी बड़ा शार्प रहता है. तो वो कौन सा टीथ रहता है, वो रहता है कैनाइन, क्योंकि इसका काम क्या होता है, टीयरिंग. टीयरिंग मतलब मांस को फाड़ना का काम जो रहता है, इसलिए. अब उसके पीछे छोटे छोटे टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. मतलब जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स होंगे उनको क्रश करेंगे, है ना, एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एंड मोलर का क्या होता है, ये जो उन्होंने कन्वर्ट किया है ग्राइंडिंग, उसको और फाइन पेस्ट में कन्वर्ट करना. तो मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग. आपको बताया था जो लास्ट मोलर होता है उसको कहते हैं विजडम टीथ, और ये आता है 17 से 30 की उम्र में. ये है डेंटल फार्मूला. तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. ये है किसका, ये फार्मूला है इन्फेंट, मतलब इन्फेंट का नहीं, ये चाइल्ड का फार्मूला है ना.
तो इसका क्या हुआ 2102, क्यों इसमें दो इंसीजर हैं, एक कैनाइन है और प्रीमोलर्स में नहीं होते और थर्ड लास्ट मोलर नहीं होता है इसीलिए, तो ये क्या हो गया 2102। और ये एक जॉ का हो गया, मतलब मान लो ये ऊपर का जॉ है, ये नीचे का जॉ है, तो ये हाफ पोर्शन है, तो ये यहाँ का हाफ एंड देन मल्टीप्लाई बाई टू, मतलब ऊपर भी किया है नीचे भी किया है, तो इस तरीके से। तो इनमें बच्चों में कितने टीथ होंगे, तो ये कितने हुए पाँच, पाँच एंड चार, तो ये 20 टीथ होते हैं। और अगर ह्यूमन अडल्ट में देखा जाए तो इनका फॉर्मूला है 2123, मल्टीप्लाई बाय हम कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वही ऑलमोस्ट 4 करेंगे, तो 8 4 32, तो ह्यूमन टीथ में मतलब ह्यूमन अडल्ट में 32 टीथ होते हैं, चाइल्ड में होते हैं 20। तो जैसे कि आपने एड्स देखे होंगे, मतलब कोलगेट का एड देखा है, इतना है, मतलब ये मतलब इतने ऑब्सेशन होते हैं वाइट टीथ से कि कोलगेट वाइट एंड ऑल दैट, पर हमारा जो नेचुरल टूथ का कलर होता है वो येलोइश होता है। येलोइश क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डेंटाइन सब्सटेंस। अगर आपके टीथ एकदम वाइट हैं तो समझ लीजिए जो आपकी डेंटाइन है वो चिप ऑफ होना स्टार्ट हो गई है। तो आप है ना इतने ऑब्सेस्ड मत हुए वाइट टीथ से, थोड़े से येलो टीथ हमारे नॉर्मल टीथ और हेल्दी टीथ का इंडिकेशन है। अब जो डेंटाइन है उसको कवर्ड कौन करता है, मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था इनेमल। इनेमल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये जो इनेमल है ये किससे मिलके बनता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनता है। मैंने आपको बताया था पल्प कैविटी, जो जैसे ये है ना, ये इसके अंदर पल्प कैविटी होगी, ये डेंटाइन होगा, डेंटाइन के ऊपर ये इनेमल होगा, इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। यहाँ पे जो पल्प कैविटीज होती हैं यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल नर्व्स होंगी, ठीक है, जो उसको क्या करेंगी, टूथ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। अब आते हैं हम टंग पे, तो टंग क्या है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बकल कैविटी में होता है। और ये क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि मतलब बेसिकली इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, फंक्शन हम आगे देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। जो हमारी टंग है वो किससे, ओरल कैविटी में कहाँ से, फ्रेनुलम से कनेक्ट होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। मैंने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जबान में हड्डी नहीं होती, पर ऐसा नहीं होता, ये गलत है, हमारी टंग में भी हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है, हायर्ड बोन, ये जो पीछे जो हमारी टंग कनेक्ट होती है वो हायर्ड बोन से कनेक्ट होती है। तो कभी लोग आपसे बोले ना कि हमारी जबान में हड्डी नहीं होती, तो हमको बताना नहीं, हड्डी होती है और वो हायर्ड बोन होती है। अब टंग के कुछ फंक्शंस हैं, तो टंग के फंक्शन क्या है आप गेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग में हेल्प कर रही है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप समझेंगे, है ना, तो ये मैं किसे, मैं बोल के समझा रही हूँ, स्पीकिंग। दूसरा क्या होगा, सलाइवा मिक्स करेगा, हमारे जो फूड में क्या करेगा, सलाइवा मिक्स करने का काम होगा। तीसरा काम इसका क्या होगा, टेस्ट। ऑब्वियसली हम खाना खाते हैं तो जो उसके ऊपर टेस्ट आता है, टेस्ट कहाँ, टंग की वजह से आता है ना। तो देखो इसके क्या होंगे, हेल्प इन स्पीकिंग, स्वेलिंग इन द फूड, मतलब खाने को निकलना, टू मिक्स फूड विथ सलाइवा, है ना, टू टेस्ट द फूड, ये इसके काम है, ये काम है टंग के। अब टंग को जो टेस्ट आता है वो कैसे आता है, तो टंग के ऊपर क्या होता है, टेस्ट पर प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, पैपलाई कहते हैं, है ना। तो इनको आम भाषा में टेस्ट बड कह देते हैं, वैसे इनका नाम होता है पैपलाई। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पैपलाई प्रेजेंट होते हैं, और ये इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप टिप पे टच करेंगे ना तो यहाँ पे स्वीट फ्लेवर आएगा, और जो साइड में करेंगे तो सॉल्टी, एंड यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सॉर फ्लेवर आएगा। लेकिन अब सो सबसे आयरनी देखिए ना, बेटर हमें जो टंग का जो पीछे का पार्ट होता है ना, वहाँ पे हमें कड़वा फील होता है, और हम जब दवाई खाते हैं तो वो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, सबसे पीछे रखते हैं, तो इसलिए हमें दवाई और कड़वी लगती है। तो अगली बार से दवाई खाएगा ना तो पीछे मत रखेगा, अपने यहाँ पर मतलब उस पोर्शन के आगे रखिएगा, तो आपको दवाई अब कड़वी नहीं लगेगी। ये देखो ये है टंग, यहाँ से ये हायर बोन से, यहाँ से ये टंग क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, तो सलाइवरी ग्लैंड्स भी हमारे क्या मतलब बकल कैविटी का पार्ट है। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें 3 pairs ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सबसे पहला होता है पैरोटिड, फिर होता है सबलिंगुअल एंड होगा सब मैंडबुलर, ठीक है। अब ये इसका काम क्या होता है, ये मतलब डक्ट से सलाइवा सीक्रेट करता है, और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 liters ऑफ सलाइवा पर डे ये प्रोड्यूस करते हैं। तो अब समझते हैं कि सलाइवा का काम क्या होता है। तो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स होता है लाइसोजाइम, वो क्या करता है, जो हमारे फूड में बैक्टीरिया होता है उसको बकल कैविटी में ही क्या करता है, किल कर देता है, है ना। इसके साथ साथ इसमें एक और एंजाइम होता है जो टाइलिन होता है। टाइलिन का काम क्या होता है, जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसको क्या बकल कैविटी में ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब सलाइवा के अंदर देखो एंजाइम्स के साथ साथ क्या वाटर होता है, और वाटर होता है इसमें 98 से 99%। अब जो टाइलिन है उसको, उसका जो दूसरा नाम है वो है सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। अब कोई आपको सलाइवरी अल्फा अमाइलेज बोले ना तो समझिएगा वो टाइलिन के बारे में बात करता है।
तो टाइलिन क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करता है, जो स्टार्च है मतलब पॉलीसेक्राइड्स को क्या करता है, डाइसेक्राइड मतलब माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब स्टार्च है इसको टाइलिन इसके ऊपर एक्ट करेगा, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। के साथ साथ जैसे दूसरा जो बताया था वो लाइसोजाइम, जो लाइसोजाइम होता है ना वो टीयर में भी प्रेजेंट होता है। तो टीयर में इसका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है टू किल द बैक्टीरिया। अब जैसे कभी है ना आँख में कुछ बैक्टीरिया हवा के थ्रू एंटर हो गया तो वहाँ पे भी लाइसोजाइम होगा, तो वहाँ पे क्या कर देगा, उसको वहीं किल कर देगा ना, और इन्फेक्शन नहीं होने देगा। वही सेम काम यहाँ का करता है, अगर फूड में कोई बैक्टीरिया आ गया तो इसको वहीं पर ये क्या कर देता है, बकल कैविटी में किल कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रेनिकाइज़। Thank you.